एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों इसके पहले हम नर्वस सिस्टम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यस, नर्वस सिस्टम एनिमल्स में आता है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यस बच्चों, प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है। अब प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? ओके, कोऑर्डिनेशन मतलब हम मूवमेंट करते हैं ना, वी मूव आवरसेल्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन, यस, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, वी मूव। प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है। अब आप बोलोगे मैम हवा आती है तो प्लांट्स मूव करते हैं, है ना, ये वाली मूवमेंट नहीं। ओके, देर आर सर्टेन मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मूवमेंट्स एज इन एक टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के मूवमेंट्स के। ओके, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होगा मैक्सिमम ऑफ दैट विल बी रिलेटेड टू ग्रोथ, बिकॉज प्लांट्स डोंट मूव अराउंड, है ना, प्लांट्स जगह से अपने हिलते नहीं है। तो जो भी मूवमेंट होगा प्लांट्स का वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ का क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोज मूवमेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिनको ग्रोथ की जरूरत नहीं पड़ती। सोच सकते हैं ऐसे कौन से प्लांट के मूवमेंट्स है जिनको ग्रोथ की जरूरत नहीं पड़ती? हिंदू, ओके, इट हैज समथिंग रिलेटेड टू स्टिमुलाई। सोचो समथिंग रिलेटेड टू स्टिमुलाई। यस, सो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर। ये वर्ड को हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, है ना। स्टिमुलस मतलब सम एक्सटर्नल फैक्टर जिसका इफेक्ट प्लांट की बॉडी पर पड़ेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा प्लांट। ओके, अभी भी टाइम है, सोच लो एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रही हूँ। Okay, plants use electrical chemical means to convey information from cell to cell, है ना। इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, केमिकल इम्पल्स होता है, तो प्लांट्स में क्या होता है, ये साथ में हो जाता है। यस, एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज करते हैं। फॉर मूवमेंट टू हैपन, मूवमेंट होने के लिए सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो सेल्स अपना शेप कैसे चेंज करते हैं? अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में हमने सेल पढ़ा था, ये सेल काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। एंड वी सॉ दैट, ओके, लेट्स से दिस इज योर प्लांट सेल। रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आई वोंट ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना, वो वैसे ड्रॉ नहीं करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सपोज ये हमारा प्लांट का सेल है। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है प्लांट के सेल में वो सेंटर में नहीं होता, इट इज इन द पेरीफेरी, आजू बाजू में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आजू बाजू में होता है, क्यों? क्योंकि प्लांट में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनेल होते हैं कॉल्ड एज वैक्यूल, है ना, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्लांट के सेल की मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। प्लांट के सेल की मैक्सिमम जगह ऑक्यूपाई कर लेते कौन? वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स में क्या भरा हुआ होता है? वाटर। यस, अगर आप लोगों ने ये वाला वैक्यूल वाला पार्ट भी लेक्चर देखा नहीं होगा तो उसका भी लेक्चर है हमारे चैनल पे, गो चेक दैट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यस, सो क्या होता है, ये वैक्यूल में पानी भरा हुआ होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल इज फिल्ड विथ वाटर। अब जब सेल को अपनी मूवमेंट करनी हो या सेल को अपना शेप बदलना हो तो वो क्या करेगा? वैक्यूल में, यानी कि सेल के अंदर क्या करेगा? पानी की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर है, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा अपने हिसाब से, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। मतलब क्या बच्चों, कि अगर पानी ज्यादा हो गया तो सेल स्वेल हो जाएगा, अगर पानी कम हो गया तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, है ना। अब यस, याद आया कुछ? ये सबसे पहले तो ये क्या है हमारा, ये क्या है? एग्जाम्पल, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ड्रूपिंग मतलब मुरझा जाना. ओके, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट. यस, ये प्लांट को क्या कहते हैं? टच मी नॉट प्लांट कहते हैं. तो आप लोगों ने ये बहुत जगह किसने किसने देखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो. यस, क्या आप लोगों ने ये प्लांट को टच करके एक्सपीरियंस किया है ना? क्या हो जाता है? व्हेनेवर यू टच दिस प्लांट. अब देखो नॉर्मली ऐसे लीव्स होते हैं. यस, व्हेनेवर यू टच दिस प्लांट मतलब हम लोग एक्सटर्नली कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं उसको. तो क्या हो जाता है? ये प्लांट के लीव्स अपने आप क्लोज हो जाते हैं. यस, दिस इज नॉट टच मी नॉट. ओके, ये क्या है? ये वीनस फ्लाई ट्रैप है. ओके, ये क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप है. तो ये टाइप के जो प्लांट्स है वो कार्निवोरस होते हैं. क्यों, मैं बताती हूँ. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्टिमुलस हुआ, यस, ये वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है? उसके ऊपर यूजुअली हम स्टिमुलस नहीं देते. यूजुअली कोई भी छोटी मोटी मक्खी या कोई भी कीड़ा आकर बैठ जाता है. यस, तो क्या हो जाता है? वो जो फ्लाई ट्रैप मतलब जाल है ना, तो ट्रैप क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है अपने आप. जैसे ही उसके अंदर उसको स्टिमुलस मिला, द ट्रैप विल क्लोज. अब ये क्लोज होने के बाद जो भी फ्लाई है इसके अंदर, जो भी कीड़ा इंसेक्ट है इसके अंदर, वो चला जाएगा इसकी ट्रैप के अंदर. यस, एंड देन व्हाट विल हैपन? ये जो प्लांट है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा. इसलिए वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह को कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. यस, समझा है इतना पार्ट सबको? अब ग्रोथ पे चलते हैं. डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. ओके, मतलब ये जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे, जो भी टाइप के मूवमेंट होंगे वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होंगे. अब देखो कैसे. दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ये वर्ड याद रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट्स. बहुत बच्चे भूल जाते हैं एंड एमसीक्यू में आता है. यस, यूजुअली एमसीक्यूज में ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स बीच में से डाल देते हैं. मतलब कंसेप्ट पता है आपको, बट वर्ड्स याद नहीं रहते तो गए मार्क्स. ओके, ऐसे टाइप के मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब डायरेक्शन पे जाते हैं वो, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. मतलब स्टिमुलस एज इन कोई भी टाइप का स्टिमुलस होता है. अब यहाँ पर देख लो, हाइड्रोट्रॉपिज्म. यस, हाइड्रो मतलब क्या? हमारा वाटर है ना, H2. ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट. मतलब क्या है यहाँ पर? सिंपल से आप फिगर में देख सकते हो. ये जहां पर भी पानी होगा, सब लेट्स से एक बड़ा सा पौधा है, अब यही साइड बड़ा सा पॉट है, आप यही साइड सिर्फ पानी दो तो, और थोड़े दिन के बाद उसके रूट्स को निकाल कर अगर आप देखोगे तो सारे रूट्स टूवर्ड्स वाटर ग्रो हुए होंगे. ये साइड कोई भी रूट्स नहीं होगा. एंड व्हाई वुड द रूट्स गो? पानी है ही नहीं वहां पर ग्रो होके फायदा ही क्या है? ओके, तो पानी की तरफ जो अट्रैक्ट होके रूट्स, वो डायरेक्शन में बढ़ते हैं. डायरेक्शन, यस, डायरेक्शनल मूवमेंट. तो पानी की तरफ, पानी की डायरेक्शन में जो रूट्स की ग्रोथ होती है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा फोटोट्रॉपिज्म. नाउ व्हाट इज फोटो? यस, एट दिस पॉइंट सबको पता है फोटो मतलब लाइट है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे. फोटो सिंथेसिस, फोटो ये, फोटो वो, तो प्लांट से जो भी रिलेटेड है फोटो. व्हाई फोटो? बिकॉज फोटो मतलब लाइट एंड ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शन. फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. यस, एक एग्जांपल दे सकते हो इसका, छोटा सा एग्जांपल. फ्लावर आपके सामने. अच्छा, सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं पता है ना आपको? क्योंकि वो उसका जो फेसिंग है, उसका जो भी फेसिंग है फ्लावर का, वो टुवर्ड्स द सन होता है हमेशा, अवे फ्रॉम द सन नहीं होता. यस, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. मतलब क्या? अगर यहाँ पर लाइट है तो प्लांट सीधा ग्रो करेगा. बंद कमरे में अगर हाउस प्लांट है कोई आपका, तो बंद कमरे में अगर आप देखोगे, जहां पर भी लाइट है, यस, जहां पर भी लाइट है प्लांट उस तरफ ग्रो करेगा. लेट से लाइट आपने ऊपर लगा दी तो प्लांट सीधे सीधे ऊपर ग्रो करेगा. लाइट आपने साइड में लगा दी तो प्लांट धीरे धीरे साइड में ग्रो करेगा. ओके, तो जो भी ग्रोथ की मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म. अब बच्चों, ये जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है ना, फोटोट्रॉपिज्म है, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, एमसीक्यू में आते हैं, या फिर आपको एक ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ. यस, नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म मतलब, जियो मतलब ग्रेविटी एंड ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शन. ये सब अब तक तो क्लियर हो गया, ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शन. तो मूवमेंट टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना. एक तो ग्रेविटी की तरफ कोई मूवमेंट हो सकती है या ग्रेविटी से दूर कोई मूवमेंट हो सकती है. अब हाइड्रो एंड फोटो में ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि पानी की जरूरत है हमें, लाइट की जरूरत है हमें, एज इन प्लांट्स को, हमें नहीं, हमें भी है थोड़ी बहुत प्लांट्स को है जरूरत, है ना. अब ग्रेविटी की इतनी जरूरत नहीं है, तो एक तो टूवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा या फिर एक तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाएगा. तो टूवर्ड्स ग्रेविटी कौन बढ़ता है? यस, टूवर्ड. जब भी हम लोग सीडलिंग लेते हैं, उसमें से एक जो निकलता है वो ऊपर टूवर्ड्स लाइक अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाता है, एंड दैट बिकम्स योर प्लांट, एंड टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो जाता है दैट बिकम्स योर रूट. यस, नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ऐसा सीड हमारा ग्रो होता है. तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ पॉजिटिव है. यस, एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी से दूर, निगेटिव, नहीं जाना है ग्रेविटी की तरफ. ओके, सो दिस इज हाउ द प्लांट्स ग्रो. अगर आप पॉट को टेढ़ा भी रख दो तो ऐसा कुछ प्लांट ग्रो होगा आपका. इट विल ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. अब ऊपर ग्रो होगा, जहां पर भी लाइट है वहां पर ग्रो होगा. यस, सो ये जियोट्रॉपिज्म हो गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप देखते हैं. ये है हमारा कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, है ना. हमने पढ़ा था कि सीड कैसे बनता है, हमने पढ़ा था. यस, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं. अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? पोलन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे पोलन ग्रेन्स, एंड देन धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब बड़ा होगा. यस, ये पॉलन ट्यूब बड़ा होगा, एंड दिस पॉलन ट्यूब विल गो टू द ओव्यूल. यस, पूरे पॉलन ट्यूब के एक थोड़ा सा दूर होता है ओव्यूल, तो पूरा पॉलन ट्यूब ग्रो होगा, एंड इट विल गो टू द ओव्यूल. इसे कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म. यस, द फिफ्थ टाइप इज थिग्मोट्रॉपिज्म. व्हाट इज थिग्मोट्रॉपिज्म? द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली as compared to the part near the object. This causes circulating of tendril around the object. Creepers देखे आपने? yes, जो किसी भी ऐसे प्लांट्स जो खुद ब खुद इरेक्ट नहीं रह सकते, जिनकी जो स्टेम है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो एक तो वो जमीन पर ग्रो करते हैं, या फिर what happens is, उसमें उस प्लांट के पॉट में अगर आप लकड़ी लगा के रखो तो इट विल कर्ल इटसेल्फ, है ना, इट विल कॉल इटसेल्फ. तो ये क्यों होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उससे दूर कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट होगा, दैट विल ग्रो. यस, दैट विल ग्रो मोर रैपिडली. वैसे तो सारे पार्ट्स ग्रो होंगे, बट जो अवे होगा वो ज्यादा रैपिडली ग्रो करेगा एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट. इसके वजह से क्या होता है, ये ऐसे सर्कुलेटिंग उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलेट कर लेता है. यस, इसे टेंड्रिल कहते हैं. इस क्रीपर के इस पार्ट को कहते हैं टेंड्रिल. सो ये रहे आपके 5 पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ. यस, आई होप आपको सेशन समझ में आया हो. कोई भी टॉपिक में डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया हो तो. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज इस चैप्टर के और भी ज्यादा लेक्चर्स आने वाले हैं. एंड या, दैट्स इट देन. टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन.